किया। पुलिस परेड ग्राउंड में मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने ध्वजारोहण किया। मंत्री चौधरी ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर निंदा भी की और कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं पर भारत में अस्थिरता पैदा करने के भी आरोप उनकी ओर से लगाए गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जिस गति के साथ देश को आगे बढ़ा रहे हैं और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जो लक्ष्य उन्होंने दिया उसको कहीं ना कहीं बाधित करने के लिए इस टाइप के कई कांग्रेस संबंधित इंडिया गठबंधन के लोग बयान दे रहे हैं, ऐसा भारत में कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ का लोकतंत्र बहुत मजबूत है, यहाँ लोकतंत्र पे सभी लोग विश्वास करते हैं। ये जो स्थिति बांग्लादेश में आई है वो अभी यहाँ कभी नहीं होगी। तो वही डीडवाना जिला मुख्यालय पर स्वतंत्रता दिवस समारोह राजकीय खेल स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। दरअसल निर्दलीय विधायक यूनुस खान मंच पर नहीं बैठे और उन्होंने मंच साझा नहीं करके जनता के बीच बैठकर कहा कि हम लोगों के जैसे ही हैं, एक समान हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा और उनके समर्थकों के द्वारा मंच साझा करने से नाराज विधायक मंच पर नहीं बैठे। बाद में निर्दलीय विधायक कार्यक्रम को बीच में छोड़कर ही चले गए। मैंने लिखा है आज दिनांक तक, मैं कल ही बिजली में यह लिखा है, मैंने यूडीएस मिनिस्टर को यह लिखा है कि आज शाम तक, मैंने डेट लिखी है 1 जनवरी 2019 से अगस्त 2024 तक के कार्यों की जांच करवाई। और बुलेटिन में अब बात जश्न ए आजादी की। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में उत्सवी माहौल रहा। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ध्वजारोहण किया। इसके अलावा प्रदेश भर में मंत्रियों ने ध्वजारोहण किया और प्रदेश की तरक्की का संकल्प दोहराया। ये रिपोर्ट देखिए। बादलों से आजाद होती बारिश की बूंदों के साथ प्रदेश भर में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अठहत्तरवे स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश में देशभक्ति का रंग छाया रहा। सूबे की राजधानी जयपुर में मुख्य समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर ध्वजारोहण किया और वहां से सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचे। बारिश के बीच हुए राज्य स्तरीय समारोह में सीएम ने परेड का निरीक्षण किया। सीएम ने एसएमएस स्टेडियम में प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल की योजनाओं के बारे में बताया और विश्वास के साथ स्वाधीनता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण होगा। राष्ट्रीय सैल्यूट आप सभी से अनुरोध खड़े हो जाए। अग्नि वीरों के लिए विशेष पैकेज का ऐलान। प्रदेश के युवाओं को न्याय दिलवाने और पेपर लीक मामलों की तुरंत जांच एवं दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा 50 FIR दर्ज कर 157 को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करने के लिए हमारी सरकार द्वारा 22,817 पदों पर नियुक्ति दे दी गई है। 35,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। 12,145 के लिए परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तथा 6,000 पदों के विज्ञापन शीघ्र जारी किए जा रहे हैं। हम देश की सेवा करने वाले अग्निवीरों को भी प्रदेश की विभिन्न योजना में अवसर प्रदान करने जा रहे हैं। हमारी सरकार बेहतर
फेडरल फोर्सेज किए जाने पर शहीद अग्निवीर के आश्रितों को भी कारगिल पैकेज के तहत दी जाने वाली सुविधाएं देखी। अग्निवीर के स्थायी विकलांग होने की स्थिति में भी सरकार कारगिल पैकेज जैसी सुविधाएं देगी। अग्निवीर युवाओं को पुलिस आरएससी जेल प्रहरी पद रक्षक के तौर पर नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान भी हम करने जा रहे हैं। खिलाड़ियों के लिए मिशन ओलंपिक शुरू करने की घोषणा। प्रदेश के खिलाड़ी भी खूब खेले, आगे बढ़े और विश्व में देश प्रदेश का नाम रोशन करें। खिलाड़ियों को ओलंपिक और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के मकसद से मिशन ओलंपिक शुरू किया जा रहा है तथा एक जिला एक खेल योजना प्रारंभ करने के साथ चिन्हित खेलों के लिए अकादमी की स्थापना की कार्रवाई की जा रही है। सम्मा के स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज खोलने तथा खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन करने की कार्रवाई की जा रही है। बिजली की समस्या को दूर करने के लिए 2,00,000 करोड़ से ज्यादा के MOU किए गए। अगले 5 साल में हाईवे निर्माण के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 6 वृहद पेयजल योजनाओं का कार्य किया जाएगा। 183 शहरी क्षेत्रों में 5,180 करोड़ के काम 2 साल में होंगे। राइजिंग राजस्थान के आयोजन से प्रदेश निवेश का हब बनेगा। किसान पशुपालन के क्षेत्र में 50,000 करोड़ से ज्यादा के कार्य होंगे। समारोह में प्रदेश के अलावा मणिपुर और गुजरात से आए 150 से अधिक लोक कलाकारों ने अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत लिया। प्रदेश भर से आए 1200 स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति पर गीतों की धुन पर सामूहिक नृत्य की प्रस्तुतियां दी। खास बात यही रही कि बारिश के बावजूद स्कूली छात्रों और कलाकारों के जोश में कमी नहीं रही। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने दौसा जिले में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में ध्वजारोहण किया और देश की आन बान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी दी। विश्व में भारत के प्रति एक नई आशा, नया विश्वास पैदा हुआ है। हमारे पास डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का संगम है। सरकार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रही है। भारत की प्रगति अब केवल शहरों तक नहीं अपितु कस्बों, गांवों और ढाणियों तक है, जो अंत्योदय विकास का परिचय देता है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भरतपुर में ध्वजारोहण किया और परेड का निरीक्षण भी किया। इस बार पुलिस परेड ग्राउंड में जल भराव की वजह से कार्यक्रम नहीं किया जा सका, जिसकी जगह कैबिनेट मंत्री राठौड़ ने केंद्रीय विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह की वीरांगनाओं का सम्मान किया। हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने अनेकों बलिदान दिए इस देश की संस्कृति, इस देश की धरोहर को सुरक्षित रखने में। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना योगदान दें, एक अच्छे नागरिक बनकर जो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं उसको और अच्छी तरह निभाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। सवाई माधोपुर के जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री की हैसियत से ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद डॉक्टर मीणा ने परेड की सलामी ली। इसके ठीक पश्चात ऊर्जावान युवाओं का राष्ट्रीय कैडेट कोर का दस्ता। खास बात ये कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजादी के महोत्सव को पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर और ग्रामवासी एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और करेंगे जोधपुर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर ड्राई डे पर सड़कों पर ओपन बार खोला हुआ है। शहर में ड्राई डे के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर भर के ठेकों में शराबें बिक रही हैं। शराबियों ने सड़क पर ही बार बना दिया है और प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ है। प्रशासन छुट्टियां मना रहा है तो आज 15 अगस्त पर ड्राई डे का ऐलान किया जाता है, लेकिन जोधपुर में इन आदेशों की धज्जियां खुलकर उड़ाई जा रही हैं। सरेआम दिन दहाड़े शराबों की बिक्री हो रही है और आपको बताते चले कि सड़कों पर ही शराबियों ने बार भी खोल रखी है। तस्वीरें देखिए,
ये तस्वीरें प्रशासन की कार्यशैली पर कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। किस तरीके से आज के दिन जब शराब